हेलो यूट्यूब फैम, वेलकम बैक टू दी चैनल। आप लोग जानते हैं 2024 अब लगभग पूरा आधा साल ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, और ऐसे में जो है ना कार कंपनियाँ जो है ना बहुत सारी ऐसे नए नए प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए 2025 से पहले पहले ही यहाँ पे इंडियन मार्केट में आप लोग को अवेलेबल करवाने वाली है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही देखा है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है ना अपकमिंग गाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं, 2025 और अभी जो 2024 चल रहा है लास्ट का एंडिंग वाला, वहाँ तक आप लोगों को जो है ना देखने को मिल जाएगी इंडियन मार्केट के अंदर। तो कौन सी वो ऐसी गाड़ियाँ हैं जो आप लोग के लिए सही रहेगी, वो आप लोग डिसाइड करोगे। बाकी मैं आप लोग को ऐसी गाड़ियों के बारे में बताऊँगा जो लॉन्च होने जा रही है 2025 के शुरुआती टाइम तक। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे जो है ना अभी हाल ही में 2024 के फेस्टिव सीज़न तक बहुत सारी गाड़ियाँ आप लोग को लॉन्च होते हुए नज़र आने वाली है, और हम लोग उन गाड़ियों के जो है ना कुछ की फ़ीचर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और साथ ही में गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे, और कब तक वो गाड़ी आएगी, एग्जैक्ट डेट जो भी है, सारी चीज़ें, एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देख लेना। तो चलिए हम लोग जो है ना बिना देरी यहाँ पे शुरुआत करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, और पहली गाड़ी के बारे में बात करेंगे जो कि रहने वाली है टाटा मोटर्स की तरफ से अजूरा यानी कि कर्व। आप लोग जानते हैं कर्व को भी जो है ना बहुत जल्दी यहाँ पे लॉन्च कर देने वाले हैं, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा फेस्टिव सीजन में यानी कि दिवाली में आप लोग को जो है ना ये कर्व जरूर से देखने को मिलने वाली है। और इसके अंदर जो है ना क्या क्या चीज़ें रहने वाली है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखिए, ये एक लौती ऐसी पहली गाड़ी होगी यहाँ पे सेगमेंट में जो कि कर्व डिज़ाइन को, मतलब कूपे डिज़ाइन को यहाँ पे फॉरवर्ड करेगी, जिसमें आप लोग को पेट्रोल भी मिलेगा, डीजल भी मिलेगा और ईवी भी मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। और साथ ही में इस गाड़ी में ही आप लोग को सीएनजी ऑफर किया जाएगा। और इस गाड़ी का खास बात क्या है, इसके डिज़ाइन एंगल को लेके इस गाड़ी की खास बात होने वाली है। जानते ही आप लोग, ये गाड़ी बिल्कुल एक नेक्सॉन का एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म पे बेस रहने वाली है, यानी कि ये गाड़ी पूरी तरीके से नेक्सॉन ही है जिसको जो है ना एक्सटेंड किया गया हुआ है इसके प्लेटफॉर्म पे। और इस गाड़ी में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, लाइक प्रीमियम डिज़ाइन आप लोग को इसके अंदर मिलेगा और कूपे डिज़ाइन है जैसा कि मैंने आप लोग को कहा। प्राइस रेंज भी आप लोग के लिए मैंने आप लोग को जैसा कहा 12 से लेकर 16-17 लाख रुपये के बीच में जो है ना इस गाड़ी की प्राइस रेंज यहाँ पे इंडियन मार्केट के अंदर रखने वाले हैं। और साथ ही में इस गाड़ी के अंदर आप लोग को जो है ना डिज़ाइन जो है फ्यूचरिस्टिक लगने वाला है। इस गाड़ी में आप लोग को 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया जाएगा और एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन और 1.2 लीटर का आप लोग को पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। आप लोग जानते ही है, जैसा मैंने आप लोग को सीएनजी के बारे में बताया, तो सीएनजी आप लोग को 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन में मिलेगा 105 पीएस की पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क के साथ। और इसमें आप लोग को इंटीरियर बहुत ज़्यादा प्रीमियम रहने वाले हैं, 360 डिग्री कैमरा भी होगा उसमें और स्टीयरिंग व्हील पे आप लोग को इल्यूमिनेटेड लोगो देखने को मिलेगा और बिग स्क्रीन होगा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा, एडास का सेफ्टी फीचर भी आप लोग को इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। और ऐसे में जो है ना जब इसके अंदर सीएनजी आएगा तो आप लोग जानते हैं नेक्सॉन भी जो है ना सीएनजी के साथ ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, तो ये इसके साथ भी सेम वही कहानी रहने वाली है। और इस गाड़ी के बारे में आप लोग को बताता हूँ, ये सीएनजी के साथ जब आएगी तो इसकी जो कैपेसिटी होगी स्पीड की, वो 0 to 100 ये सिर्फ जस्ट 3.13 मिनट के, मतलब सेकंड्स के अंदर अचीव कर लेगी। तो अगर आप लोग इस गाड़ी का वेट करना चाहते हैं तो फेस्टिव सीजन में ये गाड़ी आप लोग के लिए प्रोवाइड करवा दी जाएगी। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं, तो रेनो मोटर्स की तरफ से यहाँ पे आने वाली है डस्टर 7 सीटर के साथ। अब आप लोग जानते ही है रेनो की डस्टर जो है वो ऑलरेडी पहले मार्केट में मिलती थी, अब जिस वजह से जो है ना इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर देना पड़ गया था। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखिए इसकी जो खास बात है वो इसके हाइब्रिड इंजन को लेकर रहने वाली है। यहाँ पर लुक्स पूरी तरीके से नए हैं इस गाड़ी की और डिज़ाइन पूरी तरीके से नया कर दिया गया है, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है। और प्राइस रेंज इस गाड़ी की जो है ना 12 से लेकर 16 लाख रुपये के बीच में हो सकती है। 1.2 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा आप लोगों को जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होगा, और साथ ही में जो फीचर्स दिए जाएंगे वो सारे अप टू डेट होने वाले हैं, एडवांस लेवल के आप लोग को जो है ना इसके अंदर टेक्नोलॉजीज यूज किए जाएंगे इस गाड़ी को और भी ज्यादा स्ट्रांग और प्रीमियम बनाने के लिए। यहां पे अंदर देखोगे इंफोटेनमेंट सिस्टम इसका जो है ना बिल्कुल नया और फ्रेश है, बड़ा है आप लोगों को ले दिया गया हुआ, और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा, 360 डिग्री कैमरा भी आप लोग के लिए यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है। और ऐसे में जो है ना इस डस्टर का जो नाम है फॉरेन कंट्री में वो डासिया डस्टर के नाम से ये बिकती है, इंडिया के अंदर ये नॉर्मल डस्टर के नाम से ही यहाँ पे आप लोग को जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो अगर इस गाड़ी का आप लोग वेट करना चाहते हो तो ये गाड़ी आप लोग को मार्च 2025 में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है ना मारुति सुजुकी ने भी जो है ना कहा है, हम जो है ना अपने
सबसे ज़्यादा बिकने वाली स्विफ्ट को हाइब्रिड के साथ लॉन्च करने वाले हैं कुछ टाइम बाद। तो यहाँ पे आप लोग को इस हैचबैक के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगी, देखिए सबसे पहले तो डिज़ाइन अगर आप लोग को बताऊँ, हाल ही में जो है ना स्विफ्ट को भी जो है ना नए अवतार में लॉन्च किया, जिसमें हमारे को देखने से लगता है कि ऐसा कोई मेजर अपडेट तो नहीं है इस गाड़ी में, ठीक है। डिज़ाइन में भी कोई ज़्यादा खास बदलाव नहीं किए गए हुए, बट अब इसको हाइब्रिड के साथ लॉन्च किया जाएगा तो इसके सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा इसके माइलेज को लेके। यहाँ पे गाड़ी का जो है ना आप लोग को जो प्राइसिंग रखी जा सकती है वो 8 से 12 लाख रुपए के बीच में हो सकती है, और पहले से ज़्यादा प्रीमियम आप लोग को इंटीरियर में ज़रूर फील होगा। 1.2 लीटर का आप लोग को हाइब्रिड पेट्रोल इंजन इस गाड़ी के अंदर दिया जाएगा, जो कि 98 bhp की पावर निकालेगा और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा ये। और साथ ही में मैं आप लोग को बताऊँ इसके जो एवरेज होगी वो 25 से लेकर 30 kmpl के बीच में आप लोग को ये गाड़ी निकाल के देगी बड़े आराम से। पैडल शिफ्टर्स आप लोग को दिए जाएंगे, और साथ ही में आप लोग को हो सकता है इस गाड़ी के अंदर अब आप लोग को सनरूफ भी प्रोवाइड करवा दिया जाए, और इंटीरियर जो है ना आप लोग को कहीं ना कहीं बिल्कुल सेम सा ही फील होगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम ज़रूर नया होगा, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें होगी जो आप लोग को स्विफ्ट हाइब्रिड के अंदर मिलने वाली है। ऐसे में गाड़ी का लॉन्च डेट जो है ना 2025 के लास्ट में या फिर आप लोग को बीच के महीनों में देखने को मिल सकती है। हम लोग नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे स्कोडा मोटर्स की तरफ से आने वाली है ओक्टाविया RS4, और ये भी RS4 जो है ना एक कोड नेम है इस गाड़ी का, जिसका जो है ना आप लोग सामने से देखोगे तो गाड़ी आप लोग को नज़र आ रही होगी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। यहाँ पे लुक्स और डिज़ाइन स्कोडा मोटर्स के भी काफ़ी ज़्यादा शार्प और काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को जो है ना इस गाड़ी के अंदर भी हाइब्रिड का ऑप्शन मिलने वाला है, ये एक तरीके से क्रॉसओवर सेडान है, ठीक है। एलईडी लाइटिंग का सेटअप ज़रूर मिल जाएगा, मैसिव ग्रिल है इस गाड़ी में, पैनोरामिक सनरूफ भी है। गाड़ी का जो आप लोग को प्राइसिंग बताता हूँ एक्सपेक्टेड, तो ये 25 लाख रुपए तक जा सकती है 20 लाख रुपए से, और जो इंजन आप लोग को ऑफर किया जाएगा वो 1.4 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन होगा 140 bhp के साथ, तो पावरफुल भी काफ़ी ज़्यादा ये गाड़ी आप लोग को मिलने वाली है। और इंटीरियर बहुत ज़्यादा प्रीमियम है जैसा कि मैंने आप लोग को कहा, यहाँ पे आप लोग को मल्टी कलर के अंदर एम्बिएंट लाइट देखने को मिलेगी, और भी कई सारे ऐसे चीज़ होंगे आप लोग को जो इस कोड़ा कुछ आप लोग को ओक्टाविया के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगर लॉन्च डेट के बारे में बात करते हैं तो इस गाड़ी का लॉन्च डेट जो है ना 2025 के अप्रैल या मार्च के महीने में आप लोग को ये मिलने वाली है। नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं तो टाटा मोटर्स की तरफ से फिर से आ रही है सफारी पेट्रोल वेरियंट में। आप लोग काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं सफारी को पेट्रोल के साथ देखने के लिए, और टाटा मोटर्स भी बहुत ज़्यादा जल्दी में है और आप लोग को ये गाड़ी जल्दी मिलने वाली है। आप लोग जानते हैं सफारी का जो है ना एक नाम है, ये एक तरीके से ब्रांड है, काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, इसके फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है सफारी के। और यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर अब आप लोग को पेट्रोल वेरिएंट देखने को मिलेगा, जो कि हाल ही में प्रेजेंट टाइम में सफारी सिर्फ डीजल के अंदर आप लोग को मिलती है। तो इसमें आप लोग को लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, आप लोग देख ही रहे हैं गाड़ी बहुत ज़्यादा तगड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी गाड़ी है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक है, ठीक है। और जो इसको मिला था अपग्रेड मिले थे वो भी आप लोग देख ही रहे हैं, अपग्रेडेड वाली है। 1.5 लीटर का TGDI पेट्रोल इंजन आप लोगों को दिया जाएगा, और एक 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा 168 bhp के साथ, और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 6 स्पीड और 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स आप लोगों को दिया जाएगा, बिग इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा, वेंटिलेटेड सीट्स होंगे, और साथ ही में जो है ना जो सेकंड रो में जो आप लोगों को सीट दी जाएगी वो भी आप लोगों को वेंटिलेशन के साथ ही यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। 19 इंचेस के अलॉय व्हील आप लोगों को दिए जा रहे हैं, और एडास का सेफ्टी फीचर है, 2 स्पोक के साथ आप लोगों को मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील आप लोगों को दिया जाएगा। कीमत गाड़ी की जो है ना 22 लाख रुपए के बीच तक की हो सकती है, 17 से 22 लाख रुपए के बीच में। और गाड़ी का अगर आप लोग इंतजार करना चाहते हैं तो फेस्टिव सीजन में जो है ना आप लोग को ये गाड़ी भी यहाँ पे ऑफर कर दी जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं और आखिरी गाड़ी के बारे में बात करते हैं इस लिस्ट की, तो ह्यूंडई मोटर्स की तरफ से आने वाली है भाई क्रेटा CNG के साथ। आप लोग इंतज़ार कर रहे हो भाई, क्रेटा भी एक वही वाला सेगमेंट है, मिड साइज़ SUV वाला सेगमेंट, जिसमें जो है ना इसकी बिक्री इतनी ज़्यादा होती है कि लोग बाग भाई इसको लेते लेते नहीं थकते हैं। अब जब इसके अंदर CNG आने वाला है तो सोचिए कितना ज़्यादा बवाल ये कर सकती है। यहाँ पे आप लोग को 1.5 लीटर के आप लोग को पेट्रोल इंजन के साथ CNG ऑफर किया जाएगा, 101 PS की पावर और 114 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ, और इसकी USP रहेगी इसकी माइलेज, जो कि आप लोग को जो है ना सिटी पे 22 से 24 kmpl की देगी, और हाईवे पे आप लोग को 25 से 27 kmpl की आप लोग को बड़े आराम से निकाल के देगी। कीमत भी आप लोग को जो है ना 13 से लेकर 16 लाख रुपए के बीच में इस गाड़ी की हो सकती है, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें होगी, बाकी मेजर डिफरेंस आप लोग को जो है ना नज़र नहीं आएगा, बस इसके अंदर आप लोग को जो है ना CNG ऑफर करने वाले हैं, बाकी लुक्स फीचर डिज़ाइन सब कुछ आप लोगों के लिए सेम होगा। हाँ, अगर CNG का लोगो ज़रूर से आप लोग को अलग से मिलेगा, और इस गाड़ी का लॉन्च डेट जो है ना 2025 के जनवरी से फरवरी के महीने में मिल जाएगी आप लोग को।
गाइस ये थी ओवरऑल वो गाड़ियाँ जो आप लोग को जो है ना कुछ महीनों बाद यहाँ पे इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाली है। तो फेस्टिव सीजन बहुत ज़्यादा शानदार रहने वाला है 2024 का। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं जल्दी से जल्दी गाड़ियाँ यहाँ पे लॉन्च की जाए। बाकी वीडियो लास्ट तक देख के आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा उम्मीद करता हूँ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोग बस वीडियो देखते रहते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो। बाकी मैं मिलूंगा आप लोग को ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। आप लोग रखना अपना ध्यान, वीडियो देखने के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।